आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यूपी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का ये बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये बजट कैसा है, इसमें क्या खास है और ये यूपी के विकास के लिए कितना मील का पत्थर साबित होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब जब चुनावी साल करीब है तो बीजेपी का फोकस फिर से सत्ता में वापसी का है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए का है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ काम के हिसाब से भुगतान करने की बात कही गई है। खास तौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है।